Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सच्ची शाम के लिए. यस, थैंक यू जीसस. वेलकम वेलकम एवरीवन. आप सबका प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में आप सबका स्वागत है. थैंक यू सिस्टर डेबोरा. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. हम जल्दी से मीटिंग शुरू करेंगे अपनी. I'm just waiting for few more people ताकि वो ज्वाइन करें और फिर हम इसे शुरू करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरी वन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. वी आर अबाउट टू स्टार्ट. परमेश्वर का धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ब्लेसिंग्स टू यू. Thank you everyone. Thank you, Jesus. Pastor Karan, आपका स्वागत है. You're most welcome. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you everyone. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you everyone. Thank you Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की ऐसी अच्छी इस शाम के लिए. जितने भी जन ज्वाइन कर रहे हैं आप सबका स्वागत है. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जितने भी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो इसे शेयर करें ताकि बहुत से हमारे भाई बहन इस आज के सेशन को अटेंड कर पाए. हेल्प देम. आप शेयर करें और अब हम इसे शुरू करते हैं आज की इस आराधना स्तुति को. आइए हम दुआ में चलेंगे और अपने परमेश्वर को वेलकम कहेंगे. थैंक यू जीसस. प्रभु आपका धन्यवाद हो. आपकी स्तुति हो महिमा हो आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु. जब आपने मुझे एक बार फिर से प्रभु स्टेज पर आने का मौका दिया ताकि मैं प्रभु आपके वचनों के द्वारा आपकी आपकी स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु मैं आपको महिमा दे सकूं. प्रभु आपका धन्यवाद हो. जितने जन प्रभु इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं सबको ब्लेस करते हैं. हम आपकी हुजूरी को मांगते हैं आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता. आपके बिना हम कुछ भी नहीं. वी नीड यू फादर. वी नीड यू जीसस होली स्पिरिट. वी नीड यू. वी वेलकम यू इन दिस इवनिंग लॉर्ड. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. प्रभु आगे की सारी आराधना को स्तुति को वचनों को हर एक चीज को इन लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं. प्रभु मैं अपने आप को आपके पाक पवित्र लोहों में ढांपती हूं. पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आप हम सब से बातचीत करें. यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन. थैंक यू. थैंक यू. आइए हम सब आराधना में चलेंगे. बहुत ही प्यारा गीत है भाई अमित कांबले के द्वारा गाया हुआ जो हम अक्सर हमारे चर्च में भी गाते हैं. एंड जब भी मैं आराधना में बैठती हूँ मैं इस गीत को जरूर गाती हूँ. सो आइए हम ये सॉन्ग सुनेंगे गाएंगे. चरणों में तेरे आते हैं. थैंक यू लॉर्ड जीसस. चरणों में तेरे हम आते हैं. सारा दर तुझको देते हैं. चरणों में तेरे हम आते हैं. सारा दर तुझको देते हैं. शीश हम झुकाते हैं. वन वंदना करते हैं.
शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, हालेलुया हालेलुया आमीन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, करते सजदा। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, हालेलुया। सचमुच हमारे जिंदा सामर्थ्य पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपके बिना हम कुछ नहीं, सच में हमें आप पर भरोसा है, आप पर यकीन है। आज प्रभु जी आपका वचन हम सबके जीवनों में कार्य करे। मैं सारा आदर महिमा आपको सौंपती हूँ प्रभु, आपको देती हूँ। इस्तेमाल करें प्रभु, मदद करें, सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आज का जो वचन है, प्रभु ने मेरे दिल में बहुत अच्छी चीज को रखा है, क्योंकि हम सब जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जो परमेश्वर का वचन है वो हमें इनकरेज करता है, वो हमें उठाता है, हमें बढ़ाता है, हमें हर एक परिस्थिति को जीतना सिखाता है। हालेलुया। सो आइए आज हम जो हमारी बाइबल है उसका, उसकी जो किताब याकूब की किताब है, मैं उसे इन दिनों में पढ़ रही थी, तो बहुत सी ऐसी चीजें मुझे उसी एक किताब में से मिली कि जो हम अपनी परिस्थितियों में कई बार घबरा जाते हैं, तो हमें वहां पर परमेश्वर का जो वचन है वो याद देता है। जो पर्टिकुलर अगर मैं टॉपिक कहूं इसका, सो दिस इज लाइक बी वाइज, स्पिरिचुअली हमें वाइज होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से, अगर हमारे हम अपनी परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे, तो वहां पे हमें किसी और चीज की नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत है, ताकि हमें उस परिस्थिति में वो विजडम मिल सके। परमेश्वर के बिना हमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमारे पास विजडम होगी परमेश्वर के द्वारा मिली हुई, तभी हम अपने पर्सनल लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, हर तरह से हम उन परिस्थितियों में से निकल कर आ सकते हैं। सो जब हम याकूब की किताब में पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय में, उसमें उसकी वर्स 5 में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। यानी कि हम अपनी परिस्थितियों में होते हैं, हम मसीह घरों में कई लोग बचपन से पले बड़े होते हैं, वो बचपन से वो मसीह माहौल को उन्होंने देखा होता है, चर्च के इन्वायरमेंट को, हर एक चीज को, तो क्या लगता है कि हमें सब आता है, हमें पता है, हम हर एक चीज को संभाल लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारी लाइफ में ट्रबल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सो उसमें हम चूक कहां जाते हैं, जैसा कि प्रभु का वचन होशा नबी की पुस्तक में भी कहता है कि मेरी प्रजा जो शिक्षा है उसके
उसके ना होने की वजह से नाश हो रही है। यानी अगर हमारे पास परमेश्वर की विजडम नहीं होगी, परमेश्वर की बातों को, उनके रेवलेशंस को समझने की विजडम नहीं होगी, तो हम अपनी जो लाइफ है, एक देर आर टू रेम्स लाइक फिजिकल रेम एंड स्पिरिचुअल रेम। तो जो फिजिकल रेम में हम हैं, उन परिस्थितियों में अगर हम खोए रह जाएंगे तो हम अपनी स्पिरिचुअल फाइट को कभी भी विन नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए, चाहे हमने पीएचडी की हुई है, चाहे हम हर एक क्षेत्र में अपनी लाइफ के वी आर ऑन टॉप, है ना। हम हर एक चीज में अपने आप को बहुतायत से बढ़िया समझते हैं कि मुझे सब आता है, मैं ये कोर्स कर लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। आज शाम को बहुत सी डिस्कशंस हो रही थी, आई एम एट केलब इंस्टीट्यूट, इट्स अ बाइबल कॉलेज ओवर हियर। हम बहुत बाइबल से रिलेटेड चीजों की डिस्कशंस में थे, बहुत मुझे अच्छा समय मिला रिचर्ड हवल जी के साथ, उनकी फैमिली के साथ। और वहां से मैं इन चीजों को जान पा रही थी कि प्रभु के साथ चलने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए, बहुत सी चीजों को समझने के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। अगर परमेश्वर की दी हुई विजडम हमारे साथ नहीं होगी, हम अपनी किसी भी परिस्थिति में नहीं निकल सकते, चाहे वो एक छोटा सा डिसीजन क्यों नहीं है। लेट्स से अगर हमें कोई चीज खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई घर लेना है, कोई हमें अपना कॉलेज ज्वाइन करना है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है, और लेट्स से हमने अपने पार्टनर को चुनना है, हमें एक बड़ा डिसीजन है मैरिज, किसी जॉब को, किसी कंट्री को हम चूज करने जा रहे हैं, तो वी नीड लॉर्ड्स विजडम, वी नीड लॉर्ड ओवर देयर। परमेश्वर से डिस्कशन बहुत जरूरी है, रादर देन अदर पीपल कि हम कैसे और क्या करें। वी हैव टू ट्रस्ट द लॉर्ड, एंड अगर हम ट्रस्ट कर रहे हैं परमेश्वर पर, और उसके साथ साथ हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है कि प्रभु तू ही मुझे गाइड कर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना। और वचन भी हमें यही सिखा रहा है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हम सब बहुत ही समझदार हैं, या हमारे पास तो जी पूरा ज्ञान है बाइबल का, और हमारे जितनी बाइबल तो कोई नहीं जानता। देखिए, जितने भी हमारे बहन भाई यहाँ पर आते हैं, हर एक को अलग अलग गिफ्ट मिला है, हर एक से पर के द्वारा परमेश्वर एक अलग बात हमसे करता है। परमेश्वर आज मेरे द्वारा आप लोगों से बात कर रहा है अबाउट विजडम, अबाउट लाइक वी हैव टू बी वाइज इन क्राइस्ट, हर एक क्षेत्र में। जैसे वचन भी कहता है कि तुम कबूतर किनाए भोले और सर्प किनाए चुस्त रहो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, यहाँ पर एक वॉर चल रही है ना, एक स्पिरिचुअल वॉर है, जहां पे हमें नहीं समझ में आ रहा। और एक आजकल आप देख रहे हैं बहुत सी वर्ल्डली वॉर्स भी चल रही है, जो कि बाइबल में लिखी हुई है, वो प्रोसेसेस पूरी हो रही हैं, तो वहां पर भी स्ट्रेटजीज बनती हैं कि हम इस जो लड़ाई को कैसे जीतेंगे। जब यहाँ के दुनियावी लोग इतनी स्ट्रैटेजीज को सीखते, इतने इतने अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट, या किसी भी किसी चीज को शुरू करने के लिए हमें कोई घर भी बनाना पड़ता है, तो हमें एक अच्छा आर्किटेक्ट चाहिए जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, अच्छी विजडम हो जिस चीज की। सो उसी प्रकार से जब हम अपनी स्पिरिचुअल दौड़ में हैं, हम अपनी परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, वी नीड लॉर्ड ओवर देयर। और यहां पर वो क्या कह रहा है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। हम अगर अपनी परिस्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर इवन हम सबको, इंक्लूडिंग मी, हम सबको परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। मेरी लाइफ में बहुत से ऐसी चीजें आती है जिनमें मैं कई बार बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हूँ, क्विक डिसीजंस, और कई बार मैं नहीं ले पाती। और जब मैं नहीं ले पाती, आई डिस्कस विद माय सीनियर्स, विद माय फ्रेंड्स, समटाइम्स विद माय हस्बैंड, विद माय पेरेंट्स, व्हाट टू डू। अब हर एक का अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपने अपने तरीके से हमें गाइड करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर के सामने अपनी परिस्थितियों को रखते हैं, वो हमारे इन एंड आउट हमें दोनों तरह से जानता है कि हम कैसे हैं। हालेलुया। क्योंकि समाज में रहते हुए हर कोई सबके सामने अच्छा भी होता है। जो हमारी अंदर की वीकनेसेस होती हैं, वो या तो हम जानते हैं, कई बार हम भी पूरी तरह से नहीं जानते। कोई भी नहीं कहेगा कि मुझ में ये कमी है।
ऑफकोर्स मैं भी नहीं कहूंगी, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं अपनी नजर में। अगर हम सामने वाले को किसी को यू नो बता भी देते हैं कि भाई दिस इज द फॉल्ट, तो उसको लगता है कि मुझे क्यों सिखाया जा रहा है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपनी परिस्थितियों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तब वो अपने तरीके से वो हमें अपनी डिवाइन विजडम देता है उन परिस्थितियों से निकलने के लिए, अपने किसी डिसीजन को लेने के लिए, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए वो हमें तैयार करते हैं परमेश्वर। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते। जब बाइबल में एक आपने स्टोरी पढ़ी है जोशुआ की किताब में, यहोशू की पुस्तक में, कि जब उन लोगों को बोला गया था कि तुम्हें मैं प्रॉमिस लैंड तक लेकर जाऊंगा, परमेश्वर ने बोला था कि हाँ मैं तुम्हें दूंगा, इट मींस परमेश्वर देगा, लेकिन यहोशू और एक कालेब उन्हीं दो लोगों के दिल में ये बड़ा विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा है तो वो हमें देंगे, हम उस प्रॉमिस लैंड तक जाएंगे, वो कनान भूमि हमारी होगी क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। लेकिन बाकी के जितने जन थे उन लोगों के अंदर वैसा हियाव नहीं था, राइट। तो जब वो लोगों जब यहोशू को कहा गया कि तुमने सिर्फ वहां पर रोज जाना है और वहां पर यू नो चक्कर लगाने हैं, वो 7 चक्कर जब वो उनके पूरे होते हैं, तो सबको लगता है वहां के लोगों को भी कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, क्या इनके पास लोग नहीं है, क्या इनके पास आर्मी नहीं है लड़ने के लिए, या ये मजाक कर रहे हैं, या ये लोग पागल हो चुके हैं। बट वो वहां पर क्या कर रहे थे, जैसा परमेश्वर ने उन्हें कहा था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। कई बार हमारी लाइफ में परमेश्वर हमें कुछ भी करने को नहीं कहते, व्हेन वी आस्क लॉर्ड टेल मी व्हाट टू डू, तो परमेश्वर हमें कई बार ऐसा कर देते हैं कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। सो बट हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, वो जो फ्रूट्स हैं उनकी कमी है, मेरे अंदर भी थी समटाइम्स, आज भी कई बार मैं ऐसा हो जाता है मुझे कि प्रभु कब कब होगा, कैसे होगा, ये क्यों नहीं हो रहा। आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहां पर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि बिजनेस बहुत अच्छा भी जाता है, कई बार नहीं भी होता, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। वैसे ही हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा अच्छा तो कभी एकदम से फॉल आ जाता है। सो मैं बैक उसी पॉइंट पे जाती हूं कि जब उनको वहां पर बोला गया था कि 7 चक्कर लगाने हैं जय मसीह की सिस्टर दीपा, और उसमें क्या कहा गया कि उन्होंने उन चीजों को पूरा किया और लास्ट डे पे उन्होंने इतनी जोर से हालेलुया बोला तो परमेश्वर का कार्य पूरा हुआ। इसी प्रकार से परमेश्वर कई बार हमें चुप रहकर कुछ चीजों को सिखाते हैं, कई बार हमसे बुलवाकर किसी चीज को पूरा करते हैं, या हमें किसी के जीवन में रखते हैं या किसी को हमारे जीवन में रखते हैं कि वो हमारी लाइफ में उनके द्वारा कोई कार्य हो सके। सो परमेश्वर की बातें परमेश्वर जानते हैं वो किस तरीके से हमसे यू नो हमें तैयार करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से विजडम मांगनी है, एकदम से डिसीजन मेकर नहीं बनना है। हो सकता है कि लोगों के पास बहुत विजडम हो दुनियावी, एंड लेकिन वो सोच सकते हैं कि भी मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टिल वी नीड लॉर्ड, स्टिल वी नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट इन अवर लाइफ व्हेन यू आर टेकिंग एनी डिसीजन ऑफ योर लाइफ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो वो परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखें। मैं एक बड़ी प्यारी सी बात बताना चाह रही हूं कि मेरी एक फ्रेंड थी, जब मैं प्रभु में नई नई आई 2011 में मैंने बैप्टिज्म लेने का फैसला लिया था कि प्रभु, मैं 2005 में प्रभु में आई थी तो 11 में डिसाइड हो गया था कि मुझे अब बैप्टिज्म लेना है, बाकी सब चीजें बाद में। तो जब मैंने बैप्टिज्म ले लिया उसके बाद माय पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी वाज आस्किंग मी कि भाई अब आपकी शादी के बारे में हमने सोचा है कि अब आप इस चीज के लिए यू हैव टू बी रेडी, हम देख रहे हैं लड़के और हम आपसे बात करेंगे, जितने प्रपोजल आएंगे आप उसमें हमें हमसे बातचीत कीजिएगा। सो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसने मुझे एक बार ऐसे बोला कि तुझे जो भी चाहिए तो तू परमेश्वर को लिख, डियर लॉर्ड मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और हम मैंने बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ लिख दिया। यू नो जो चीजें हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कई बार कि जो वो चीजें नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, तो मैं उन चीजों को मैंने नहीं लिखा, हालांकि मैं जस्ट आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू एंड बीच बीच में मैं थोड़ा आई एम किडिंग टू कि मैंने उन चीजों को जब लिखा मुझे लगा कि अच्छा मैंने बच्चों की तरह विश्वास किया और मैंने उन चीजों को लिख दिया. एंड यू वॉन्ट बिलीव जो जो मैंने अच्छी चीजें लिखी थी, येस आई गॉट इन माई हस्बैंड. एंड जो कुछ चीजें मुझे अब यू नो इतने दौर में नहीं समझ में आई, तो मैं सोचती प्रभु मुझे वो भी लिख देनी चाहिए थी. गॉड इज अ गुड गॉड. परमेश्वर ने मेरी इतनी छोटी सी बात को सुना कि मैंने जो लिखा उस पर दुआ की, मैंने परमेश्वर के हवाले किया, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, परमेश्वर कैसे होगा, तो परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया. हालांकि बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि माय मैरिड लाइफ वाज वेरी स्मूथ, है ना, जो एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है कि अरे शादी हो जाएगी तो हम बस बिल्कुल अच्छा ही अच्छा होता रहेगा. नो, ऐसे ही मसीही लाइफ है. अगर मसीह में आ जाने से लोगों को लगता है कि बस हमारा तो हर वक्त बैंक बैलेंस बना रहेगा अच्छा, और हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम किसी परिस्थिति में नहीं जाएंगे, जी नहीं, हर प्रकार में, हर एक यू नो पड़ाव में हमें प्रभु की जरूरत है. कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं ताकि हम परमेश्वर में बढ़ सके, प्रभु हमें बुद्धि दे, उस वो विजडम दे, ताकि हम उन परिस्थितियों से निकले और उनसे निकलकर हम आगे अपने बहुत से बहन भाइयों को यू नो उनकी प्रॉब्लम्स में हम हेल्प कर सके. क्योंकि जैसा हम फील करते हैं, बींग अ मॉम, बींग अ वाइफ, बींग अ पास्टर्स वाइफ, बींग अ यू नो जैसे कहें कि हम जिस दौर से गुजर के जाते हैं, हम दूसरे पर्सन का वैसा ही पेन समझ सकते हैं और हम उनको गाइड भी उस तरीके से कर सकते हैं कि यस आपको इस चीज में ये करना चाहिए, मैंने ये चीज की थी, बहुत डिले हुआ. मैं वैसे ही आपको बताना चाहती हूं कि जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, हालांकि मैं बहुत अच्छे पास्टर्स के साथ जुड़ी हुई थी, बहुत से प्रभु के जन मेरे लिए और मेरी परिस्थितियों के लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर कई बार हमसे खुद हमसे चाहता है कि हम मांगे. क्या कहा गया है इसमें कि किसी को बुद्धि की घड़ी है तो वो परमेश्वर से मांगे. क्योंकि जिस डिसीजन को मैं नहीं ले पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी प्रभु मेरी परिस्थिति में होगा क्या, कैसे होगा, तो वहां पर मुझे प्रभु की जरूरत थी. तो वहां जब मैंने प्रभु को सरेंडर किया और मैंने परमेश्वर से जो जो मांगा, प्रभु ने मेरी हर बात का जवाब यू नो सॉल्व किया, मुझे उसका आंसर दिया. इट टुक लॉट ऑफ टाइम, इट वाज नॉट अ इजी टास्क, बहुत समय लगा. परमेश्वर ने मुझे वो पेशेंस दिया, मुझे हर मेरी झुंझलाहट से, मेरी हर प्रकार की चीजों में मुझे विजडम दी, मुझे गिव अप नहीं करने दिया. कि यू नो कई बार कई सिचुएशन में हम विदाउट विजडम बहुत से गलत डिसीजंस ले जाते हैं, बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत सी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चर्चेस में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में बहुत कुछ खराब हो जाता है, जहां पर छोटी सी बात होती है, हालेलुया. सो आई वाज सेइंग कि चर्चेस में बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन वहां पर विजडम की जरूरत है. कलीसिया वालों को भी, जो मेंबर्स हैं, पास्टर को और जितने भी लोग हैं, उन सबको परमेश्वर के आगे उन किस्सों को रखना चाहिए. मैं बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिनसे मैं मिलती हूं, जिनकी लाइफ में यू नो मैरिजेस में बहुत बड़ा अटैक है. यू नो क्रिश्चियन वर्ल्ड में ज्यादातर जितने भी यंग बच्चे हैं, दे आर हर्ट बिकॉज वो परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगते हैं, वो चूक जाते हैं और परीक्षाओं में पड़ जाते हैं. हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, मैं इस टॉपिक को वहां कनेक्ट करूंगी. आगे जब हम बुक ऑफ जेम्स, याकूब की जो बुक है, किताब है, उसके पहले अध्याय का हमने 5th से पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 12th से, जिसमें लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. हालेलुया. सो प्रभु किन से प्रेम करता है? वो हम सब से प्रेम करता है. तो क्या किसे धन्य कहा गया? उस मनुष्य को जो परीक्षा में स्थिर रहता है. सो क्या आपके और मेरे जीवन में या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई परीक्षा नहीं आई? अब यीशु मसीह का अगर हम एग्जाम्पल लें, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो पानी में से निकले,
तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो उन्हें परीक्षा के लिए ले गया विल्डरनेस में, यू नो वहां पर इबलिस से उनकी परीक्षा कराई गई। तो क्या वो जयवंत होकर नहीं निकले? हम सब उस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जयवंत होकर निकले। प्रभु ने उसे वचनों के द्वारा, यू नो उस विजडम को वचन के द्वारा, यू नो उस जो बेरी था उस पर विजय पाई और प्रभु उसकी बातों में नहीं आए। लेकिन ज्यादातर क्या है कि आज के दौर में लोग क्या करते हैं, उसमें हमारे इमोशंस, हमारा ईगो, हमारे यू नो जो सेल्फ, जो हम अपने आप को मोटिवेशन देते हैं, उस चक्कर में हम परमेश्वर को परे रखकर हम अपने डिसीजंस को आगे रख देते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस को एंगर में, ईगो में, और यू नो इवन हम दोनों ने, इंक्लूडिंग मी माय हस्बैंड, यू नो देर आर मेनी कपल्स जो इन चीजों में यू नो गिव अप कर जाते हैं एंड उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत प्रेयर्स हो गई, बहुत सब कुछ हो गया, सो वहां पर वो चूक जाते हैं। लेकिन यहां पर किसे धन्य कहा गया है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सो यानी देखिए, बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में, बहुत सी चीजों में, लेकिन मुकुट कौन पाएगा? जो उस यू नो फिनिश लाइन तक बना रहेगा, खड़ा रहेगा, और जिसके अंदर पेशेंस होंगे, वो जील होगी कि मुझे वहां तक दौड़ना है, ओनली दैट पर्सन विल विन दैट क्राउन। सो दौड़ तो सबको दौड़नी है, आपको भी, मुझे भी, हम सबको दौड़ना है। हु नोज कि वो जो क्राउन है वो किसे मिलेगा? परमेश्वर तो हम सबसे प्यार करता है, लेकिन वैसे ही हमारे को भी इस पॉइंट पे आके खड़े होना है कि अगर मुझे ये वाला मुकुट चाहिए तो हमें परमेश्वर की हर एक परिस्थिति में, जो भी मेरी लाइफ मुझे ये परमेश्वर ने दिए, इसमें जो भी परीक्षा मेरी लाइफ में आएगी, मुझे उसमें स्थिर रहना है। लाइफ में बहुत सी बार आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, आई वॉन्ट टू लीव दिस पर्सन, मुझे अब आगे अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे यू नो ब्रदर्स और सिस्टर्स की लाइफ को जानती हूँ कि जो लोग बोलते अब हमारा मन नहीं रहा, अब हम नहीं रहना चाहते, जॉब्स में, बिजनेस में, घरों में, यू नो स्पिरिचुअल लाइफ में, जब किसी का कोई काम नहीं बनता तो वो जीसस तक को छोड़ने की बात करके वो आइडल वर्शिप में वापस चले जाते हैं। दे गिव अप कि यहां से नहीं हो रहा तो वहां से सही। आई नो मैनी पीपल जिन्होंने यीशु को अपनाया, बहुत जगह जगह प्रचार किया, बहुत सी बातें कही, यू नो ओके, सो उन्होंने गवाहियां तक दी कि हम कैसे परमेश्वर में आए, लेकिन यू नो एक टाइम ऐसा आया जब मैं उनसे मिली तो देवर टोटली अगेंस्ट क्राइस्ट, देयर टीचिंग्स एंड एवरीथिंग। मुझे बहुत दुख लगा कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपको अपने परमेश्वर से संबंध बनाए रखना है। चाहे आपके कपल के साथ आपकी नहीं बन रही, आपके रिश्तेदारों के आपके साथ नहीं बन रही, आपके कलीग्स के साथ, अपने आपके बॉस के साथ, आपके चर्च मेंबर्स के साथ, आपकी किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई, आप ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको क्या विजडम दिखानी है? धीरज धरना, यू ना पेशेंटली आपको उस दौर से निकलना है कि जिसने, जो हमसे प्रेम करता है उसका वायदा पक्का है कि अगर हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे, है ना, और उसमें से खरे निकल कर आएंगे, है ना, क्या, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। देखिए, खरा हम कैसे रह सकते हैं जब हमारा करैक्टर इस दुनिया में रहते हुए, हम जो मसीह में हैं, हमें दुनिया का डर नहीं, हमें अपने स्पाउस का नहीं, हमें अपने माँ बाप का नहीं, अपने किसी पर्सन का नहीं, हमें दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को अच्छा नहीं रखना है, हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को अच्छा रखना है कि मेरा जो मेरा परमेश्वर है वो पवित्र है। यू नो जो दोस्ती होती है वो बराबर के लोगों के साथ होती है ना। हमारा अगर परमेश्वर भला परमेश्वर है तो वी हैव टू बी, हमारा परमेश्वर अगर पवित्र है तो हमारा जीवन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। अगर हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है तो हमारे अंदर भी वो चीज होनी चाहिए। परमेश्वर ने जितने अपने गिफ्ट्स बताए हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, देखिए मैं बता तो सारे रही हूं, लेकिन
मैं नहीं कह सकती कि ये सारे के सारे ही मैं फॉलो कर रही हूँ, बट ये हमारा परमेश्वर हम सबसे चाहता है। इनमें बहुत से ऐसे गिफ्ट हैं कि वो मेरे अंदर हैं, और बहुत से कुछ ऐसे हैं जिनमें मेरे को भी जरूरत है कि मैं उनमें इम्प्रूव करूं। और मैं आप सबको भी इनकरेज करूंगी कि ये प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम मन में होने बहुत जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, हम उसे अपना दोस्त कहते हैं, हम अपना परमेश्वर कहते हैं, अपना भला पिता कहते हैं, अपना सब कुछ कहते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है, हमारी जो दोस्ती है, वो वैसी ही होनी चाहिए, वैसा ही। थैंक यू लॉर्ड। साई कि ये मुझे फिनिश दिखा रहा था एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट टू डू, बट इट्स ओके, आई विल कंटिन्यू। थैंक यू जीसस। सो इसमें मैं बात कर रही थी कि हमारी जो, मैं इसको थोड़ा जल्दी फिनिश करूंगी, जो वर्स 13, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से। ओके थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्लीज रिप्लाई एनीवन, प्लीज रिप्लाई। आप मुझे सुन पा रहे हैं? शैल आई कंटिन्यू? थैंक यू जीसस। ओके So, क्या लिखा है कि हम ये ना सोचें कि जो परीक्षाएं हैं वो परमेश्वर हमसे, इट्स अ कनेक्शन प्रॉब्लम, ये ब्रॉडकास्ट स्लो हो रहा है इसमें, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, इट्स ओके। ओके लेट मी कंटिन्यू। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि ये मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर को उत्पन्न करता है। So, यानी कि धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। सो कहने का मतलब है कि जब कोई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, यूजुअली कई लोग बोल देते हैं कि अरे परमेश्वर ने तो मेरा ये काम नहीं किया, मेरी लाइफ में ये हो गया, तो ये मत कहें। जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं उनको इनविटेशन हम खुद ही देते हैं। ये मैंने भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया, कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हालांकि हम कई बार अपनी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके सो यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें यही कहता है कि जो प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में आती हैं, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि ये इस सिचुएशन में हो गया या इस वजह से हो गया या आती है, तो वो जान लें कि वो प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट की, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, इट्स ओके। ओके तो मैं ये कह रही थी कि जो भी ये दिक्कतें हमारी लाइफ में आती हैं, हम दोष ना दें उस सिचुएशन में। जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो समझ जाएं कि हमारी ही यू नो लैक ऑफ विजडम से ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है, एंड वी आर नो वन टू डिसाइड एनीथिंग इन एनी सिचुएशन।